नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज, देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा में 80% से अधिक अंक पाने वाले छात्र सम्मानित। माधव सरोदय इंटर कॉलेज रानी बाजार में शनिवार को हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सफल विद्यार्थियों एवं अतिथियों का स्वागत परंपरा के अनुरूप किया गया। समारोह के प्रबंधक माधव प्रसाद पाठक ने सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन होता है, साथ ही शिक्षा हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि उन्हें सफलता मिल सके। समारोह में अन्य कई अतिथियों ने भी अपनी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया। सम्मान समारोह में आर्या पांडे, आकांक्षा मौर्य, अंशिका चौहान, चंदन, आशीष दुबे, अमीशा पटेल सहित सभी सफल विद्यार्थियों जो 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उनको अतिथियों ने साइकिल, घड़ी, सील तथा नगद राशि देकर सम्मानित किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार पाठक के द्वारा घोषणा की गई कि 2025 बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की वीरता सूची में स्थान आने पर 1,00,000 के ऊपर बाइक प्रदान की जाएगी। प्रधानाचार्य ने कहा, सफलता पाने के लिए लक्ष्य तय करना जरूरी है। लक्ष्य तय कर शांत मन से उस पर काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। इस मौके पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ओम प्रकाश पांडे, ज्ञानेंद्र पाठक, अमित पांडे, पंकज पाठक, पुष्कर तिवारी, राजेंद्र पांडे, डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, राम धीरज मिश्रा, महेश पांडे, शिवकेश चौधरी, केशव रामपाल, विजय उपाध्याय, दिनेश चंद्र पांडे, भारत चौधरी, सत्य प्रकाश द्विवेदी, मोनू पांडे, द्वारकेश पांडे, आसाराम पांडे, जगन्नाथ पांडे, अखिलेश मिश्रा, चंद्र किशोर उपाध्याय, दुर्गा शुक्ल, संजय पाठक, ब्रिज किशोर, लोकेश द्विवेदी, करुणा शंकर त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद पांडे, योगेश तिवारी, राहुल पाठक, राहुल पांडे, अंकित यादव, माया वर्मा, संजना विश्वकर्मा, सपना, कोमल, दिव्या, नंदनी, पत्रकार सहित छात्र छात्राएं व अभिभावक उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार पाठक ने आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र देकर और माला पहनकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अभिनंदन शुक्ला ने किया।